आपको रश करते नजर आ जाएंगे। अभी के लिए ये पोचिंग की जो फाइव राउंड जो रूफ टॉप है वहां पे भी आप जा सकते हैं। जोनाथन का एक शानदार नेट आता हुआ, एक अच्छा नॉक उनको मिल चुका है। अब उनको अटैक करने से आई डोंट थिंक कोई रोक सकता है। जोनाथन अब आगे जाने की तलाश में, लेकिन जो हायर ग्राउंड है जो अलग अलग एंगल्स है उनसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा यहाँ पे टीम मेट बिट को, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टीम कपटअप चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है टीम मेट बिट को। घेर लिया है कुछ इस कदर कि इक्वेशन ही बराबर नहीं बची है, सिर्फ दो ही तो खिलाड़ी बचे हैं वहां पर टीम 8-bit के। दो प्लेयर्स अपने घुटनों पर रहे हैं। जिस तरीके का प्लान्ड अटैक था यहां पर टीम टपाटप का, आई थिंक कोई गोइंग बैक नहीं है। अक्षत बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, यहां से अगर इन्हें कोई बसा सकता है तो एक पूरा 1v4 का क्लच, जो कि इतना आसान तो होने नहीं वाला। अक्षत यहां पर डोर के पीछे बैठे हैं, वेट करेंगे डोर खुलने का। एक आधा प्लेयर नॉक हो जाएगा, लेट्स सी वो कैजुअलिटी आ पाती है या नहीं। फर्स्ट लगी मेरे ख्याल से ये इतना आसान होने नहीं वाला, बट यहां कुछ और हो रहा है। अक्षत यहां पर अभी के लिए डोमिनेट करते जाओ। रैकनिंग के मैक्सी यहां पर अभी के लिए नॉकआउट हो चुकी है। मीनवाइल ग्लोबली स्पोर्ट्स की अगर आप बात करेंगे तो आइकॉनिक को थोड़ा सा टफ टाइम मिला है, मिलेगा क्योंकि टपाटप के साथ उनकी फाइट है। लेट्स जस्ट सी जो अभी तक का स्ट्रीक चल रहा है टपाटप का, उस पे ब्रेक लगा सकती है क्या ग्लोबली स्पोर्ट्स की टीम? देखिए बिल्कुल यहाँ पे ज्यादा एफर्ट दिखाना पड़ेगा, बिकॉज टीम टपाटप एक ऐसी टीम है, उनको यार अगर एक नॉक मिल जाता है तो वो अटैक ही करते हैं। जोनाथन जो ऑलरेडी तीन फिनिशर्स निकाल चुके हैं, ऑलरेडी एक फ्लैंक की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए ज़ी गॉड भी यहाँ पे जा रहे हैं। एक प्लेयर जो अलग पोजीशन में, वो वहां से मेरे ख्याल से कवर देने की कोशिश कर सकता है। जोनाथन जो ऑलरेडी तीन फिनिशर्स निकाल चुके हैं, चौथे फिनिश की तलाश में लेट ज़ी गॉड को वहां पे नॉक कर दिया जाता है और पियर्स यहाँ पे गाड़ी से नॉक हो जाते हैं। दैट इज जस्ट अमेजिंग, और ये पहली बार नहीं कर रहे हैं क्लच गॉड, हर बार आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। हियर यू गो, जब तक मैं बात खत्म करूंगा, जब तक मैं बताऊंगा आपको कि गाड़ी से नॉक हो चुके हैं, तब तक तो बाकी प्लेयर भी खत्म कर दिए जाते हैं। टीम टपाटप इज ऑन फायर एंड इनको रोकना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल काम है बाकी टीमों के लिए। अभी के लिए कुछ प्लेयर्स पिचका पिचका के जा रही है यार। ठीक है आपको टूर्नामेंट जीतना, आप जीतो आपको फिनिश पॉइंट्स लेने लो, बट ऐसे प्लेयर्स को पिचकाओ मत यार। कल भी ये किया था, आज भी यही काम हो रहा है, ना जाने कौन सी इंस्पिरेशन है ये। उनको वेकेंट स्पॉट है, उनके पास नाम लिया था ऑरेंज रॉक का, एंड ये लीजिए आता है टपाटप का ग्रेनेड। नॉक नॉक, एक और फाइट यहाँ पर आ चुकी है। मैक्सी के पास मौका, स्पॉट के डिफॉल्ट को, बट ये सर बॉल बॉय की आज इंस्पिरेशन मुझे समझ नहीं आ रही है। रुकेंगे आराम से, पत्थर के पीछे रुकेंगे, कवर लेंगे। मैक्सी को ओपन में स्पॉट आउट कर लिया, पीछे से नियो ने ट्रैप बना लिया। इस टिप को मिनी रेड जोन बनाने की स्ट्रेटजी टीम टपाटप की अगर एग्जीक्यूट हो जाती है तो नंबर ऑफ फिनिशेस यहां पर बढ़ जाएंगे। बट यहां कुछ और हो रहा है, डिफॉल्ट और जोनाथन दोनों अपने मुद्दों पर आ चुके हैं। रिकॉर्ड भी नॉकआउट हो जाएंगे। नियो वाला बस लास्ट मैन स्टैंडिंग, 11 फिनिश पॉइंट्स है। देखते ही देखते टीम ऑरेंज रॉक का भी यहां पर सफाया, तीन बार रिवाइवल से एक बार फिर से। एंड आई थिंक स्पीरो ना जाने ये कैसे कर रहे हैं, हर बार कोई ना कोई प्लेयर ऐसा निकल कर आता है टपाटप की टीम से जो सेवियर का रोल अदा कर देता है और बचे हुए सारे प्लेयर्स को रिवाइवल दे देता है बिना किसी कैजुअलिटी के। आम प्लेयर होता है ना, वो स्प्रे देने से पहले दो बार सोचता है यार पोजीशन वीक हो जाएगी जोन के बारे में, बट ये टीम नहीं सोचती। इनको पता है कि किस तरह से खराब सिचुएशन में से अपनी टीम को बेहतर सिचुएशन में लेके जाना है। बिल्कुल ओपन में ऐसी गॉड स्मोक करके पहुंच जाएंगे यहाँ पे अपने कवर तक। बिल्कुल अंधेरों से उजालों में ले जाती है ये टीम। फोर किंग गुरु आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, दो दो रिवाइवल्स देने वैसे इतने मुश्किल मुझे लग नहीं रहे, क्योंकि स्मोक कर कर अगर अच्छा पाथ बनाया जाए तो रिवाइवल मिल जाएगा। सारा जोनाथन को डाउन कर देंगे, मेरे ख्याल से जी गॉड जोन से डाउन हो जाएंगे, बिल्कुल जोन से डाउन हो जाएंगे। एंड दिस मार्क्स एन एंड फॉर टपाटप। चलो वी विल बी गेटिंग अ न्यू विनर नाउ, बट कहीं ना कहीं फिनिश पॉइंट्स का जो एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट था वो बहुत अच्छे तरीके से, मैंने बताया था स्पीरो कि अगर पंक और साइरस इसी तरीके से गाड़ी के कवर में लेटे रहे तो ये एंट्री अपनी सिक्योर कर जाएंगे। एंड ये लीजिए फोर किंग फॉर ड्रॉप सिटी की पूरी लाइनअप को सिंगल हैंडेडली मिड रेंज में डोमिनेट करते हुए। हैकर फॉर अ रीजन, ये भी अपने नाम के आगे हैकर लगा देना तो उसकी वजह है, और वो वजह ये है। देखिए अपने नाम को जस्टिफाई तो सभी को करना पड़ता है, और यहाँ पे हैकर पंक भी अपने नाम को जस्टिफाई करते हैं, बट नॉक हो जाएंगे वहां पे और फोर किंग की नॉक है खत्म भी कर देंगे। मार्कोस गेमिंग सूर्या जो काफी देर से बचे हुए थे ऑलरेडी अपनी टीम को मेरे ख्याल से टॉप 3 में लेके आए हैं।